पूरे देश में रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, वहीं देश में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी सड़क सुरक्षा से जुड़े हमारे कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। इसलिए टीवी 9 नेटवर्क और कॉन्टिनेंटल ने मिलकर रोड सेफ्टी अभियान की शुरुआत की है। रोड सेफ्टी को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़े और हम सड़क सुरक्षा से जुड़े हमारे कर्तव्यों को लेकर सजग हो सके, इसी मकसद के साथ ये आयोजित किया गया कॉन्टिनेंटल प्रेजेंट्स टीवी 9 नेटवर्क रोड टू सेफ्टी समिट, जहां ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी से किया हमने रोड सेफ्टी को लेकर सीधा संवाद। साथ ही कई खास हस्तियों से भी हमने रोड सेफ्टी टिप्स, रोड सेफ्टी वीक के इस अवसर पर आप देखिए हमारी खास पेशकश, ये रिपोर्ट। ऑटो वाले को मैंने कहा बेटा रोक ले, कहने नहीं मैडम हम निकल जाएंगे। मैंने कहा नहीं ये हमको मार, बस इतना ही कहा था मैंने, नहीं ये हमको मारेगा उसने, पीछे वाले उसने मार दिया मैंने। अचानक से हमें ऐसा एहसास होता है कि जो गाड़ी है वो गड्ढे में चली गई, तो पीछे से व्हीकल आया और टीना के पैर को क्रश करता हुआ चला गया। मैं 10 मिनट के बाद बच्चे के साथ था वहां पे, लेकिन मुझे ये कहा गया कि बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं। जिसके घर की जान जाती है उसके घर को समझता है कि क्या करना चाहिए करके। मैं हमेशा ब्लैक स्पॉट पे काम कर रहा हूँ। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष से मैं हूँ दिनेश गौतम, और हमारे खास इनिशिएटिव कॉन्टिनेंटल प्रेजेंट्स टीवी 9 नेटवर्क रोड टू सेफ्टी समिट में आप सबका स्वागत करता हूँ। देश के विकास में हमारी सड़कों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने में हम किस तरीके से योगदान दे सकते हैं, इसी मकसद से इंस्पायर्ड हमारा ये सफर जिसकी शुरुआत मैं अब करने जा रहा हूं। आइए जान लेते हैं कि हमें रोड टू सेफ्टी से जुड़ा ये समिट करने की आवश्यकता महसूस क्यों हुई। पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। सड़क सुरक्षा से जुड़े हमारे कर्तव्यों को लेकर देश जागरूक हो, देश की बढ़ती प्रगति में हम अपनी सड़कों को और सुरक्षित बनाएं। इसी उद्देश्य से प्रेरित है कॉन्टिनेंटल प्रेजेंट्स टीवी 9 नेटवर्क रोड टू सेफ्टी समिट। सड़क सुरक्षा के मामले में बाकी दूसरे देशों की तुलना में भारत को अभी और सुधार की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में रोजाना 1200 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और करीब 400 लोग इसमें अपनी जान गंवा देते हैं। ग्लोबली रोड एक्सीडेंट डेथ्स की रैंकिंग में भारत की स्थिति खास नहीं है। रोड सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो हमने काम किया था वो ये था, अमेंडमेंट जो हमने की, संशोधन किया मोटर व्हीकल एक्ट का। इसके ऊपर बकायदा हर जिले के लिए हमारे मंत्रालय की तरफ से वहाँ के सांसद के नीचे एक रोड सेफ्टी कमेटी बनाई गई है। तीसरी चीज़ है, मंत्रालय की तरफ से हम एक अभियान चलाते हैं जिसमें अवेयरनेस है, लोगों को जानकारी हो कि उनका कर्तव्य क्या है, उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर इस अभियान के अंदर जुड़े। देश के विकास में हर कदम पर साथ निभाने वाली कंपनी कॉन्टिनेंटल रोड टू सेफ्टी को लेकर भी लगातार सार्थक पहल कर रही है। इसी कड़ी में कंपनी जीरो एक्सीडेंट्स विजन जीरो के मिशन के साथ आगे बढ़ रही है। कॉन्टिनेंटल टायर्स में हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे टायर्स गीली और सूखी सतहों पर अच्छी पकड़ बनाए रखें, जिसकी वजह से टायर ड्राइविंग के वक्त स्लिप ना करें और उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो। इसके साथ साथ हम सुनिश्चित करते हैं कि टायरों का माइलेज बहुत अच्छा हो ताकि टायर लंबे समय तक चलें और हमारे कस्टमर्स यातायात नियमों का पालन करते हुए अपने सुरक्षित सफर का पूरा आनंद ले पाएं। कॉन्टिनेंटल प्रेजेंट्स टीवी 9 नेटवर्क रोड टू सेफ्टी समिट के जरिए हमारी कोशिश है कि हम सभी सड़क सुरक्षा से जुड़े हमारे कर्तव्यों को न सिर्फ समझें बल्कि उन्हें नैतिकता के साथ निभाएं भी। सबसे पहले मैं कॉन्टिनेंटल टायर की तरफ से हमारे बीच में मौजूद समीर सर से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे बीच में आएं और ये बताएं हम सबको कि किस एक ख्याल के साथ आप टायर की
बनाने से लेकर उसकी डिजाइनिंग से लेकर तमाम चीजों को इंश्योर करते हैं। इंडियन जीडीपी में रोड ट्रांसपोर्ट अकेला 4.5% कंट्रीब्यूट करता है, और इसीलिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट, हम भारतमाला प्रोजेक्ट की बात करें या सेतु भारतम प्रोजेक्ट की बात करें, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में बड़ी तेज़ी से पूरे होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके दो मुख्य लक्ष्य हैं, पहला लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी, यातायात दक्षता को बढ़ाना, और दूसरा सेफ मोबिलिटी। कॉन्टिनेंटल और जो इंडियन गवर्नमेंट के लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, ये कम्प्लीटली अलाइंड है। हम कॉन्टिनेंटल में बात करते हैं जीरो एक्सीडेंट्स, इसी दिशा में हम लोगों ने बहुत काम किए हैं, और एक वीडियो के जरिए भी हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल इस दिशा में क्या क्या कर रहा है, क्या क्या हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। कॉन्टी कनेक्ट यार्ड रीडर काम कैसे करता है? टायरों के अंदर रखा गया एक हाई प्रिसिशन सेंसर दबाव, माइलेज और तापमान को मापता है, जिससे आपको टायर किस हालत में है ये पता चलता है। चलिए आपके वाहनों पर एक नजर डालते हैं। आपके वाहन नियमित तौर पर हब या डिपो पर वापस लौट आते हैं। कॉन्टी कनेक्ट यार्ड आपके वाहनों के टायरों को अच्छी स्थिति में रखने के लिए बेहतरीन उपाय है। यार्ड रीडर सारे सेंसर से टायर का डेटा प्राप्त करता है। इसे आप आपकी जरूरत के मुताबिक चेक पॉइंट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जब भी वाहन चेक पॉइंट से गुजरता है, टायर सेंसर डेटा को यार्ड रीडर तक पहुंचाते हैं। यहां से ये डेटा कॉन्टी कनेक्ट बैकएंड में ट्रांसफर किया जाता है। वहां डेटा को प्रोसेस किया जाता है और आपको कॉन्टी कनेक्ट वेब पोर्टल या कॉन्टी कनेक्ट ऑन साइट ऐप द्वारा दिखाया जाता है। तो आपने देखा, हम लोग सिर्फ टायर्स नहीं बना रहे, टायर्स को डिजिटाइज कर रहे हैं। ड्राइवर से और फ्लीट ओनर से बात करने वाले टायर्स, जिनसे टायर की माइलेज बढ़ती है, फ्यूल कंजम्पशन कम होता है और एक्सीडेंट होने के खतरे कम होते हैं। अब सवाल यह है कि गडकरी जी सड़कें बनवा रहे हैं, हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, तो फिर भी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, बेसिकली हर्डल्स क्या हैं? नेक्स्ट वीडियो प्लीज। भारत सरकार प्राथमिक ध्यान देने के साथ साथ विश्व स्तरीय सड़क संरचना को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी पहल का समर्थन करने के लिए कॉन्टिनेंटल टायर एक ट्यूबलेस रेंज का प्रस्ताव रखता है, जो कई लाभों के साथ आएगा, जैसे कॉन्टिनेंटल की इंटेलिजेंट टायर तकनीक के साथ सुरक्षा और आराम, लोअर रोलिंग रेजिस्टेंस गुणांक के कारण ट्यूबलेस टायर के साथ बेहतर ईंधन दक्षता, लंबा टायर जीवन, अधिक कुशल और स्मार्ट समाधानों के साथ एक स्थायी वातावरण के निर्माण में योगदान देना। So, एक सजेशन मेरी तरफ से, इंजन ऑन मोबाइल ऑफ पॉलिसी अपनाइए। इंजन ऑन मोबाइल ऑफ वाली पॉलिसी। थैंक यू समीर सर। मैं TV9 के MD और CEO वरुण दास जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं। वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव द ऑनरेबल रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी विद अस। स्पेशल थैंक यू टू यू सर फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। वी ऑल नो मिस्टर गडकरी एज अ डूअर। He is someone who believes in traversing the road from initiative to finitiative. Karma is his dharma. Even his worst critics can't but admire and marvel at the transformation he brought about in our highways and expressways, many of which are truly world class. If we have to achieve road safety of the best standards in the world, not only an overhauling of systems and processes is needed, but a collective citizen responsibility must be channelized to involve all the citizens. I personally feel Bhai and Bhakti need to work in tandem. To establish fear of Bhai, there is a need to make corrections in infrastructure, follow that up, articulate clearly the consequences for violating safety norms, which should be very, very steep according to me, and set examples by severely punishing the wrongdoers. For Bhakti, instilling a feeling of pride in not flouting the law, but abiding by the law, that's something that all of us have to inculcate in ourselves. As India's number one news network, TV9 network has been working with various stakeholders in the road transport sector through various award-winning social cause initiatives like Suraksha Bandhan, and Highway Heroes, and recognition series like Leaders of Road Transport Award. We are thankful today
for the support of our partner Continental Tires for today's Road to Safety Summit, but we honestly feel that we've just begun and we have a long way to cover. Thank you very much, and thank you very much for joining us, sir. Thank you so much, sir. और नहीं होना चाहिए, सड़क हादसों में लोगों की जान जाने का ये सिलसिला थमना चाहिए। नितिन गडकरी सर खुद इस बारे में कटिबद्ध हैं, जोरदार तालियां उनके लिए होना चाहिए। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा, भारत के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर। नितिन सर बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या सोचते हैं सर? जिस प्रकार से रोड में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और लोगों की मौतें हो रही है, इसको बचाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को आगे आना चाहिए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 2024 समाप्त होने के पहले हम 50% एक्सीडेंट और 50% डेथ कम करेंगे। बहुत कठिन काम है ये, पर ये आप सब स्टेक होल्डर्स के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ही संवेदनशील इशू है। लोगों को जगाने के लिए, समझाने के लिए आपने ये कार्यक्रम किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इंडिविजुअली सर, जब ये इकोसिस्टम की बात आप करते हैं, रोड सेफ्टी को लेकर जो नियम है वो हमारे लिए लक्ष्मण रेखा की तरह होने चाहिए, क्या हम ये महसूस करते हैं सर? मैं ज़्यादा साफ नहीं बोल सकता, पर कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं, ऐसी अवस्था है। अगर रेड लाइट लगा है तो रुकना चाहिए। अब ये बहुत सिंपल बात है कि मोबाइल फोन रखकर स्कूटर और कार चलाते समय बात नहीं करनी चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातें, बेल्ट लगाना चाहिए। मैं कभी कभी चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट को मीडिया ने एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर अभी भी हम जिस प्रमाण में चाह रहे उस प्रमाण में हम लोग कम नहीं कर पाए। ये मैं सब रोड में अच्छा हो रहा है, 40 किलोमीटर हो रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे, 2 घंटे में देहरादून, 2 घंटे में ये जयपुर, सब कुछ हो जाएगा, पर हम ये एक्सीडेंट्स के बारे में हमको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। और इसका कारण ये है कि सबसे पहले रोड इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शन का हो रहा है, हमारे रोड काफ़ी डिफेक्टिव है, वहाँ ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो हमने पहली प्रायोरिटी दी कि हमारे झाँक कर हम पहले अपनी गलतियाँ को सुधारें, तो रोड इंजीनियरिंग के ब्लैक स्पॉट्स को सुधार कर रहे हैं। अभी तक हमने 30-35 हज़ार करोड़ इस पर खर्चा किया है। अगर आप ये संकल्प ले रहे हैं नितिन सर ऐसे में कि ये रोड एक्सीडेंट्स को 2024 तक कम से कम हमको आधा कम करना है, तो ये मुझे लगता है, तो आपको एक बात बताता हूँ, छोटी छोटी बातों का सुधार करना जो मेरी जिम्मेदारी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग, उसमें मैं काम करूँ। जो पुलिस वाले हैं, आप जैसे लोग हैं, वो लोगों को जगाना, लोगों को इम्प्लीमेंटेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। अभी उसमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम आए, अभी रोड का एक तरफ अच्छे रोड बने तो स्पीड लिमिट भी बढ़ाना है, पर ये सब बातें जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। और इसलिए आप ये लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, इससे निश्चित रूप से लोगों के सोचने में फ़र्क पड़ेगा और सफलता मिलेगी। मेरे बड़े बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का आपने जवाब दिया। आपके दिल में, क्योंकि यहाँ हर एक तरह के स्टेक होल्डर्स अभी मौजूद हैं जो पूरे इकोसिस्टम को बनाते हैं रोड सेफ्टी से जुड़े हुए, कोई बात ऐसी जो आपके दिल में हो आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हो? ये विषयों को लाइटली लो मत, इसको संवेदनशीलता के साथ सीरियसली लो। ये हम सबको मिलकर ये रोड सेफ्टी के बारे में हमको बहुत गंभीरता से सोचना होगा, नहीं तो ये इतने बड़े प्रमाण पर हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स बढ़ाकर लोगों में अवेयरनेस तैयार करके इसके प्रति हम सबके जान की रक्षा करेंगे, ऐसा संकल्प करके अगर हम सब लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपने जो बहुमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला है, थोड़ा वक्त आपका और लेंगे, आपने दिल की बातें की, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए नितिन गडकरी सर के लिए। और अब मैं चाहूंगा कि यहां मंच पर हमें ज्वाइन करें TV9 के MD एंड CEO वरुण दास जी, प्लीज आए सर। TV9 के डायरेक्टर हेमंत शर्मा जी, प्लीज आए सर। और कॉन्टिनेंटल टायर्स के समीर सर, प्लीज आए आप सर, क्योंकि अब हम जिनको सम्मानित करने वाले हैं, जो उन्होंने अंधकार के मौके को अवसाद में बदलने के बजाय मिसाल में बदला है, मार्ग रक्षक हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार, मार्ग रक्षक मनोज वाधवा, मार्ग रक्षक डोरिस फ्रांसिस, मार्ग रक्षक चंद्रशेखर मोहिते जी।
मार्ग रक्षक संदीप जी, मार्ग रक्षक विकास कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियां हमारे इस हर एक रोड सेफ्टी वॉरियर के लिए होना चाहिए। वक्त है हमारे इस खूबसूरत सा सफर जिसमें मैं आपको लेकर आगे चला हूं, इसमें आगे बढ़ने का। लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। अभिलाष, मैं एक बात समझना चाहता हूं, आप खुद जब ड्राइव करते हैं आप क्या देखते हैं? ज्यादातर लोग उनके अंदर का जो सज्जन चेहरा है वो लेकर चलते हैं रोड पर, या उनके अंदर का जो शैतान है वो लेकर चलते हैं रोड पर? मुझे याद है 2008 की बात होगी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, हमारे पास हेलमेट नहीं था। उसने कुछ नहीं, पुलिस वाला आएगा ना, तू बस रुमाल बांध दे सर पे ताकि दूर से उसे लगे तूने हेलमेट पहना हुआ है। तो हमने वो लाइंस को इतना ब्लर कर दिया है। मुझे लगता है कि हमारा देश दो ही चीज़ों से चलता है, एक झंडे से और एक डंडे से। इम्प्लीमेंटेशन जब होना शुरू होगा और बार बार 5,000 रुपये के जब 10 चालान कटेंगे ना, तो अपने आप जहन में बैठना शुरू हो जाएगा कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। तो दैट इज़ वाई आई थिंक वो डंडे का डर बना रहना चाहिए, क्योंकि झंडे के लिए तो सम्मान हमारे मन में है। रोड सेफ्टी वाली जब लाइन क्रॉस होती है तो मौके बहुत नहीं मिलते हैं। आप एज अ बॉलर थोड़ा कदम आगे गया और आपने विकेट ले भी लिया तो वो किसी काम का नहीं रहा, एक बॉल और फेंकनी पड़ेगी, उसमें रन जाएंगे सो अलग। आप लाइन क्रॉस करने को कैसे देखते हैं सर? एक पुरानी कहावत है ना कि कैरेक्टर इज़ वॉट यू आर, रेपुटेशन इज़ वॉट अदर पीपल मेक यू टू बी। तो अल्टीमेटली अपने ऊपर ही आता है। मेरा हमेशा मानना रहा है कि जैसे मर्जी आपकी अपब्रिंगिंग हो, जैसे मर्जी कुछ हो, एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को पता है सही क्या है गलत क्या है। तो स्टेइंग बिटवीन द लाइंस और बिहाइंड द लाइंस इज समथिंग जो अपने ऊपर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन एंड एज अ ह्यूमन बींग आपको लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत सख्त हो जाएं तो देखिए जी पुलिस जो है वो बड़ा अमानवीय तरीके से बर्ताव कर रही है, और अगर आप सहानुभूति के साथ काम करें तो आपको हल्के में ले लिए जाने का मसला भी होता है कि उनकी आपकी कोई बात ही ना सुने। फिर आप ये टाइट रोप वॉक कैसे करते हैं सर, और कितनी कामयाबी मिलती है? आज जो हम ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ ऑटोमोबाइल कार सेंटर्ड या व्हीकल सेंटर्ड हो गए हैं। हमको देखना चाहिए कि जो सड़क का जो उपभोक्ता है, पैदल चलने वाला है, टू व्हीलर चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, उसकी वल्नरेबिलिटी कितनी हो गई है। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है इसमें ये बात सही है कि हर एक की अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन एनफोर्समेंट की जो जिम्मेदारी है हम कितनी ईमानदारी से और कितने इकबाल से हम लागू करते हैं, तो जो मैं आपको 1200 का फिगर बता रहा हूँ वो हम धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं। आप फास्ट बॉलर रहे हैं अमित, जितना तेज फास्ट बॉलर उतना ही फेयरसम, लेकिन रफ्तार के साथ आपको कहीं होश रखना पड़ता है बॉल डिलीवर करते हुए भी, वरना वो कहीं की कहीं चली जाती। स्पीड कैसे ध्यान रखना है, यहाँ लाइन कैसे क्रॉस नहीं होनी चाहिए ध्यान रखना है? कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस जरूरी है हर चीज़ के अंदर। ये नहीं है कि आपने बताया कि ये सिस्टम है, आपने इस सिस्टम से चलना है, पर वो सिस्टम को लागू कैसे करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तक हमारे इस सफर में हमें रोड सेफ्टी को लेकर काफी कुछ नई जानकारियां मिली हैं, लेकिन अब वक्त है हमारे नए डेस्टिनेशन का। बलूजा सर से मैं इस बारे में जानना चाहता हूं। सर, रोड सेफ्टी को लेकर अभी जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि हम में से ज्यादातर खुद ही अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर नहीं है, और आप ये ऐसा इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं जो लोगों को इसी बारे में अवेयर कर रहा है, कितना चैलेंज है आपके सामने? एक ही चीज़ है, हम सड़कें बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हम गाड़ियां बढ़ा रहे हैं, 35 लाख लाइसेंस हर साल इशू करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सड़क सुरक्षा का कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। असली में तो मुद्दा यही है कि क्यों दुर्घटना हो रही है, वो हमारी इन्वेस्टिगेशन को बताना है, लेकिन क्या इन्वेस्टिगेशन सही है? आज हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और वो अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन होना चाहिए, जैसे कि बाहर के हमारे पूरे यूरोप में सब जगह पे डिफाइन होता है। समीर सर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि टायर स्पेसिफिक कोशिशें तो आप कर रहे हैं लेकिन पूरे इकोसिस्टम को एज अ होल भी आप देखते होंगे, व्हाट इज़ योर ओपिनियन सर? जिस बदलाव को, जिस परिवर्तन को लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो बदलाव, वो परिवर्तन आ रहा है। लोगों को ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। टायर्स की अगर हम बात करेंगे तो घर से निकलने से पहले आप एक बार टायर के प्रेशर चेक कर लीजिए, टायर में अगर हवा कम है या हवा ज़्यादा है, दोनों की वजह से एक्सीडेंट होते। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है,
हम टायर को टाइम पे बदल लें, जिसको हम बोलते हैं टायर गंजा हो गया, क्योंकि टायर का ट्रैक्शन, टायर की पकड़ सड़क पे कम होती जाती है जब टायर घिसता है। तो टायर को बदलना टाइम पे बहुत ज़रूरी है। जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता। एक टायर की कीमत 4-5 हज़ार रुपये है और वो चलता है कम से कम 50 से 60 हज़ार किलोमीटर। तो अगर आप पर किलोमीटर उसकी एवरेज निकालेंगे कुछ भी नहीं है। उतने थोड़े पैसे बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना कहीं की समझदारी नहीं हो सकती। जिम्मेदारी की जब बात आती है तो जितना ज़्यादा पी लेता है कोई, उतनी ही उसकी ज़िद होती है तेरा भाई अब गाड़ी चलाएगा। ऐसी सोसाइटी में हम लोगों को कैसे ये समझाएं कि अपनी जान से मत खेलो। आज हमारी इंडस्ट्री में जब हमने पता किया तो 85% ट्रक ड्राइवर्स आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब। उन्हें ट्रक चलाना पसंद नहीं है, कोई ना कोई मजबूरी की वजह से वो ट्रक चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि बात करे थे कि आपका साइकोलॉजिकली आप पे इफेक्ट होता है, तो डिप्रेशन होता है और इस चीज़ों की वजह से, फैमिली से दूर रहने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से, तो ड्राइवर इस चीज़ के चपेट में आ जाता है। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। आप सब यहाँ पहुँचे, इस इनिशिएटिव को आप सब ने हौसला दिया, बल दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।